मैंने ये एक USB साउंड अडेप्टर लिया हुआ है। मेरे कंप्यूटर में मेरा ये 3.5 mm जैक का जो होता है ना, आगे और पीछे का दोनों CPU में दिया रहता है, मेरा वो दोनों ख़राब हो गया है। इसीलिए मुझे ये लेना पड़ गया, क्योंकि वो दोनों बन नहीं रहा था मार्केट में, इसीलिए मुझे ये लेना पड़ गया। मुझे ये 150 का मिल गया है। मैं अब इसका यूज बताता हूँ, कैसे यूज होगा है मुझे। मैंने इसे वो USB वाला लिया था, मेरा ये जो 3.5 mm जैक वो तो ख़राब हो गया है, इसीलिए मैं USB वाला लेके आया हूँ। मैं इसे USB में कनेक्ट करूँगा, फिर यहाँ से जो दिया हुआ मुझे, मैं यहाँ से इसे कनेक्ट करके अपना साउंड सुन सकता हूँ। मेरे मेरे PC में ये यूज नहीं, साउंड नहीं आता था, इसीलिए वो 3.5 mm जैक जो है वो मेरा ख़राब हो गया था। मैं इसीलिए ये लाया हूँ। मैं अब इसमें लगा के अपना साउंड बॉक्स से सुन सकता हूँ, और इसका साउंड टेस्टिंग बहुत अच्छा है। ये जो यहाँ से पावर देता है और साउंड बहुत अच्छा बजता है इससे। मैं इसे लगा के मैंने इसे सुना हूँ, मुझे मैं इसे चलाया हूँ, आया तो तब मैं इसे यूज किया था, तो आपसे आपको मैं अब यूज करके आपको दिखाऊंगा। कुछ वेट करिए, मुझे ये 150 रुपीज़ का मिला है, ये USB साउंड अडेप्टर। देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है USB साउंड अडेप्टर। अब हम लोग इसे यूज करते हैं, हम लोग इसे यूज करके अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या क्या इसमें है। देख सकते हैं ये पैकेट है यहाँ पर। अब पैकेट में भी थोड़ा बहुत रहता है, आप इसे भी देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन फीचर एंड स्क्रिप्शन एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। जो जो सिस्टम का रिक्वायरमेंट है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसे खोल के यहाँ से देखते हैं, देख सकते हैं ये प्लास्टिक में ऐसा है। अब हम लोग इसे यहाँ से ऐसे निकालते हैं बाहर, देख सकते हैं। मैं अब इसे साइड में रखता हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं ये हम लोग का इसमें USB आ गया, USB साउंड अडेप्टर है, इसका नाम है USB साउंड अडेप्टर। देख सकते हैं ये हो गया अपना, ऐसा दिखता है। मैं तो इसमें जो यहाँ यहीं पर ऐसे ही रहता है ना USB, मैं वो लेना चाह रहा था, लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि इसका वायर ना ख़राब होने का चांस रहता है, इसीलिए मैं वो लेने वाले कह रहा था। लेकिन वो मैं अपने साइड से जो शॉप है वहाँ से लिया, तो उनके पास वो था नहीं, इसीलिए मैंने ये लेके आया हूँ। आप भी ले सकते हैं, मैं तो करूँगा रिक्वायर, तो आप वही वाला लीजिए जो यहाँ पर USB निकला रहता है, आप वो ले सकते हैं। ये तो यहाँ से वायर का थोड़ा इशू रहता है, वायर ख़राब हो जाएगा तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा, यहाँ से आपको काटना पड़ेगा, काट के वापस जोड़ना पड़ेगा। मुझे यही बहुत ख़राब लगता है इसमें। मैं अब इसे अपने कंप्यूटर में लगा के आपको शो करूँगा, अभी वेट कर लें। देखिए मैं वहाँ से लिया हूँ, तो वो कहे थे कि ये डेट डाल दे रहा हूँ, कभी इसमें कोई भी इरर है, प्रॉब्लम आए तो मेरे पास आइएगा, इसे शो करिएगा, मैं इसे वापस करके दूसरा आपको दे दूँ, या फिर इसे टेस्ट करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस पर आप कनेक्ट करेंगे तो ये स्पीकर साउंड सुनाई देगा, और ये माइक हो गया। माइक में कैसे आप गूगल असिस्टेंट पर बोलते, यूट्यूब पर जो साउंड बोलते हैं, आप इसे प्लग करके यहाँ पर बोल सकते हैं। कोई एक स्पीकर रहना चाहिए यहाँ पर बोलने बदे, आप इसे कनेक्ट करके आप इस पर बोल सकते हैं। अब हम लोग इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करके आपको शो करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा स्पीकर है, मैं इसे यहाँ पर इससे कनेक्ट करके आपको शो करता हूँ। मैं यहाँ पर देख सकते हैं मेरा CPU है, मैं यहाँ पर USB लगाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर USB लगाने जा रहा हूँ, ये ऐसे प्लग, मैंने इसे उल्टा लगाया, अब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये लग जाएगा। इसमें मैं इसे लगा दिया, देख सकते हैं ये लग गया यहाँ पर। अब मैं इसे ऑन करता हूँ तो आपको शो करता हूँ, यहाँ पर इसमें लाइट भी जलेगा। अब मैं इसे शो करता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे कनेक्ट किया तो यहाँ पर लाइट जल रहा है। मैं यहाँ पर लाइट बंद करूँगा तो आपको शो होगा, देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जल रहा है रेड रेड यहाँ पर। अब मैं इसे ऑन करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर कब लाइट जलेगा, तब आप समझ लीजिए कि ये कनेक्शन इसका हो गया। मैंने इसका स्पीकर से अपना भी कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ये पर देख सकते हैं मैंने स्पीकर से भी अपना कनेक्ट कर दिया। अब इसमें साउंड बजाते हैं तो आपको शो करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर साउंड आने लगा, बहुत क्लियरली साउंड आ रहा है। मैं आप यहाँ पर और साउंड तेज करता हूँ, यहाँ पर और देख सकते हैं और टेस्ट सुनाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मूवी मैंने चला रहा हूँ, ये इसलिए साउंड आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर।
मूवी है यहाँ पर सुनाई दे रहा है ना, बहुत तेज साउंड है इसका, बहुत अच्छा ये साउंड प्रोवाइड करता है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये इसका ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा, जब आप इसे कंप्यूटर में लगाएंगे तो ये प्लग एंड पे है, अपने डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पर ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, इससे आप इसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। कब आप इसे कनेक्ट करेंगे तो साउंड बहुत अच्छा है, आप कब इसे कनेक्ट करेंगे, प्लग एंड पे है, प्लग एंड पे मतलब कि आप कब इसे कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। कब आप इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके डब्बा पर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कहाँ गया, ये कब आप कनेक्ट करेंगे तो ये देख लीजिए, कंप्लेन बीट USB 2.0 फुल स्पीड 12 Mbps स्पेसिफिकेशन, आप ये शो होगा आपका, कब ये कनेक्ट हो जाएगा तब आपके लैपटॉप PC कहीं भी आप इसे यूज करेंगे तो ये शो होगा उस पर, ये समझ जाइएगा, ये शो कनेक्ट हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कनेक्ट हो गया है आपके कंप्यूटर से। और आप इसे माइक्रोफोन म्यूट कर सकते हैं, स्पीकर म्यूट कर सकते हैं, और वैल्यूम अप और वैल्यूम डाउन भी कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। कभी LED इंडिकेट करता है यहाँ पर, कभी लाइट जलता है तो ये LED इंडिकेट करता है, आप इसे बहुत अच्छा ये है, आप इसे जाके ले सकते हैं, शॉप से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, आप इसे यूज करके देखिएगा, बहुत अच्छा USB साउंड अडेप्टर है, आप इसे परचेज कर सकते हैं।